दो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और आपको बताता चलूं कि ये वीडियो में मैं बोलूंगा कम और काम ज्यादा करूंगा तो वीडियो बेहतर होगी और इंटरेस्टिंग देने वाली है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको बताता चलूं कि जो हमें दो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो पहला एक्सपेरिमेंट है फायर ऑन हैंड वाला एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट है बॉटल रॉकेट वाला एक्सपेरिमेंट जो कि हम करेंगे बेकिंग सोडा और विनेगर के साथ। सारे एक्सपेरिमेंट्स हम सिर्फ पहली बार ट्राई करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। अगर फेल भी होगा तो मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। चलें बगैर किसी देरी के इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। I got broads in Atlanta, just to throw lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, when you see them like a panda. यार अभी हम लोग गैलरी में आए हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाथ पे आग लगाने वाला है, क्योंकि एक तो आग जो है अंधेरे में नजर आएगी, रोशनी में अच्छी नजर नहीं आएगी, दूसरे मेरे पास यहाँ से नाटे में कोई खतरा भी हो सकता है आग लगने का। तो मेरे पास सैनिटाइजर और ये माचिस का डब्बा है, तो अभी आपको अंधेरा लग रहा होगा लेकिन जब आग लगेगी तो और अच्छा जरा अच्छी फीलिंग आएगी जब मेरे हाथ में आग लगेगी। तो चलें एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये वाली जो क्लिप है ये मैं अभी फ्लैश लाइट ऑन करके बनाऊंगा, क्योंकि अभी सैनिटाइजर जमीन पर डालूंगा नजर आ जाए, फिर जब मैं आग लगाऊंगा तो फ्लैश लाइट बंद करके वाली क्लिप बनाऊंगा। तो अभी देखो थोड़ा सैनिटाइजर बिखेर रहा हूँ तो आग पकड़ गई है, नजर आ रहा होगा। बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ अब तक तो मैं, तो यार मुझे पता है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है अंधेरे में इतना अच्छा नज़र भी नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो मैं आपको एक बार ये रोशनी में भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं सैनिटाइजर अब तो इतनी बार ट्राई कर लिया ख़त्म ही हो चुका है। थोड़ा सा सैनिटाइजर हम यहाँ पे लेंगे, फिर इसमें हम आग लगा देंगे। वैसे बच्चे ट्राई ना करें, करने वाला एक्सपेरिमेंट है नहीं, क्योंकि दर्द तो होता है। अब तक जब मैंने ट्राई किया दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं हो। तो ये ऐसे आग लगेगी, इसमें हम देखें उसको हाथ में ले सकते हैं तो थोड़ा कूल लगता है, हाथ में आग लगी है, आग में हाथ लगते हुए आदमी को कूल लगता है। ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, दर्द होता है ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है लेकिन उतना भी नहीं होता, थोड़ा एक आध सेकंड बाद दर्द होना शुरू होता है क्योंकि सैनिटाइजर की एक पीछे लेयर भी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि आउटडोर करना पड़ेगा, वो तो मस्ट आउटडोर करना। उसमें हम रॉकेट बनाएंगे तो वो भी इससे भी ज़्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। चलें बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग वाला है, लेकिन अब पता नहीं है, मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ। तो पहले एक टिशू लेंगे ऐसा स्क्वायर शेप वाला, उसमें मैं ऐसे बेकिंग सोडा में ऐसे बेकिंग सोडा को मैं टिशू के ऐसे लाइन में डाल दूँगा। क्या पता रिएक्शन फेल हो जाए, करना है। तो ऐसे मैं इसको बेकिंग सोडा उसमें डाल दूंगा। अब इस टिश्यू को इस तरह फोल्ड करेंगे कि बेकिंग सोडा जो है वो नीचे से लीक ना, मतलब एक तरफ से देखा है ऐसे तो एक फोल्ड किया, अब यहाँ से हमने इसको नीचे डालना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक और फोल्ड कर दूँगा कि बेकिंग सोडा ऐसे निकले ना। अब इसको मजीद फोल्ड लेंगे, टिश्यू में पास ऐसा आ चुका है। अब इसका अंदर कुछ इतना डाल देंगे बेकिंग सोडा, देखें आप देख सकते हैं कि मैं ट्रांसपेरेंट बोतल तभी लिया ना, मैं इसको ब्लड में भी कर सकते थे। आप देखें कुछ इस तरह डालेंगे कि बेकिंग सोडा ना नीचे से गिरे ना ऊपर, इसको ऐसे फोल्ड किया हमने। ये अब हम देखें, आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने टिश्यू को बेकिंग सोडा विनेगर के थोड़ा ऊपर किया है, बिल्कुल टच नहीं कर रहा उसको, अगर टच करेगा तो धमाका हो जाएगा संभाल के। अब मैं चिड़िया होती है ना जो रैकेट वाली, उसको इसके अंदर फिट कर दूँ। यार अब ये देख सकते हैं कि ये मैंने इसको अच्छी तरह फिट कर दिया है, और टिश्यू देखने के विनेगर के बिल्कुल ऊपर है, उसको टच नहीं कर रहा, और टिश्यू के अंदर है बेकिंग सोडा। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूशन में लगते हैं।
टमाटर ऐसे रेडी है, इतना आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बनाया है, ठीक है। अब बस मैं सिंपली इसको फ्लिप करूँगा और बाकी काम खुद होगा। देखते हैं, पहली बार कर रहे हैं, कुछ पता नहीं कैसे होगा। बॉटल जब उड़ के बराबर लेकर चली गई थी, इसलिए मैं भागता हूँ यहाँ पे आ गया कि वो बराबर चिल्लाने लग जाए। तो चलें, अगर आपको पसंद आएगा कि ब्लॉग आज को मिले, आपको पसंद आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग किया था आज हमने, पहली बार एक्सपीरियंस किए सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो नीचे वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। चैनल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।